चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करेंगे। यस, आज का क्लास शुरू करेंगे। आज जो क्लास लास्ट में चला था, जीव के ऊपर ही अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं। संसारी जीव के 563 भेद, बराबर बराबर। तो उसमें पर्याप्ता, अपर्याप्ता, गर्भज, समूर्छिम, इस प्रकार से मुख्य भेद पड़े हैं। क्योंकि पर्याप्ति अपर्याप्ति सभी में आएगी, और समूर्छिम गर्भज भी सभी में, गर्भज है उसमें, समूर्छिम तो आएंगे ही आएंगे, बराबर। तो पर्याप्ता अपर्याप्ता गर्भज समूर्छिम, उससे उसके हिसाब से जो भेद पड़े थे उसको एक बार या आप फिर से ये पिक्चर देख लीजिए। देखिए, आपके दिख रहा है आपको? ठीक है, आओ। सारी जीव के 563 भेद का जो ये पिक्चर है, भरत, पांच भरत, ध्यान दो, में यहाँ लिखा हुआ है, कर्सर घुमा रही, देखिए, पांच भरत, पांच ऐरावत, पांच महाविदे, पांच रम्यक, पांच हिरण्यवंत, पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु, पांच हिमवंत, पांच हरिवश, ये जितने भी 15 कर्मभूमि और 30 अकर्मभूमि, ये जितनी भी है सब मिक्स में, क्योंकि मनुष्य तो सब में है, जीव तो सब में है, है ना। तो 30 अकर्म भूमि, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, 56 अंतर्द्वीप, देखो मेरा कर्सर घूम रहा है। तो 30 अकर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप, युगलिक, उसके बाद टोटल ये 15 कर्म भूमि, ये है 15 कर्म भूमि, बराबर। तो यहाँ सब जगह मिलके आपको गर्भज समूर्छिम, गर्भज समूर्छिम, आप देखो पर्याप्त गर्भज, मैं देखो मैं बोल रही हूँ, ध्यान दो, गर्भज पर्याप्त अपर्याप्त समूर्छिम पर्याप्त अपर्याप्त, बराबर। फिर ऐरावत में भी गर्भज अपर्याप्त पर्याप्त समूर्छिम पर्याप्त अपर्याप्त, महाविदे में भी ऐसे ही, हर एक में दो और दो चार भेद है, कितने हैं? चार भेद, चार भेद। ये सारी पृथ्वियों पे, ये सारी भूमि पे चार चार भेद, चार चार भेद मनुष्य में आएगा ही, गर्भज समूर्छिम, गर्भज समूर्छिम, पांचों हरिवश और 56 अंतर्द्वीप, उसके भी समूर्छिम गर्भज दोनों, अंतर्द्वीप में भी जहाँ गर्भज है वहां समूर्छिम आएंगे ही आएंगे, और जब गर्भज है वहां पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे। तो टोटल इतने भेद यहाँ के हुए, मनुष्य के हुए, ये कितने हुए टोटल मनुष्य के भेद, किसके हुए ये मनुष्य, या मनुष्य बताओ। अब वैमानिक में आओ, अब देव में आओ, वैमानिक के भेद और ज्योतिष के भेद, फिर भवनपति के भेद और व्यंतर के भेद, जो जो है ना वैमानिक के जो चार अलग अलग है ना, व्यंतर वाण व्यंतर भवनपति वैमानिक और ज्योतिष, ये चार अलग अलग है, उनके भेद बताए हैं। तो वैमानिक के भी पांच, अनुत्तर के भी पर्याप्त अपर्याप्त, अब यहाँ गर्भज समूर्छिम नहीं आएगा, बराबर बराबर। फिर नवग्रह के भी पर्याप्त अपर्याप्त, 12 वैमानिक के भी पर्याप्त अपर्याप्त, 9 लोकांतिक के भी पर्याप्त अपर्याप्त, उसके बाद है ज्योतिष का आ गया, ज्योतिष के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा पांचों लिए हैं। अब देखो यहाँ दिखेगा आपको, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा पांचों के चर स्थिर, चर स्थिर, चर स्थिर, और ये चर स्थिर दोनों के पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त, समझ में आया? पांचों ज्योतिष देव, उसके चर स्थिर, चर ज्योतिष भी, स्थिर ज्योतिष भी, तो टोटल 10 भेद हो गए पांचों के, तो 10 के भी पर्याप्त अपर्याप्त, टोटल 20 हो गए ना। बस अब आओ व्यंतर देव 8, वो भी पर्याप्त अपर्याप्त, फिर वाण व्यंतर आए वो भी पर्याप्त अपर्याप्त 8ों के, फिर तिर्यक झुंभक देव वो भी पर्याप्त अपर्याप्त, उसके बाद असुर कुमार वो भी पर्याप्त अपर्याप्त, 10 भवनपति वो भी पर्याप्त अपर्याप्त। तो टोटल वैमानिक देव के भी यहाँ भेद आ गए, 198 भेद है वैमानिक के, मनुष्य के 303 और वैमानिक के 198। अब आओ नरक गति बाकी रही, नरक में कितने हैं? सातों नारकी के 7 पर्याप्ता, 7 अपर्याप्ता, 14 भेद हुए,
हाँ आओ आगे जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ इतने जीव के इतने भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो अब ये आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। संसारी जीव के 563 भेद, ये आप याद रखोगे। अलग 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 जगह, ऐसे तो 14 ही भेद है, लेकिन हर एक जगह के अलग अलग गिनों के तो टोटल कितने हो जाएंगे, 563 भेद, ठीक है। चलो अब आपको पेज तो दिख ही रहा होगा, अब इसके ऊपर हम जाएंगे थोड़ा। पेज दिख रहा है ना? बस बस चलो, अब हम ये टॉपिक तो हुआ है, अब हम आगे जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी आपके सामने आ रहा है वो है आत्मा। किसका आ रहा है? आत्मा। आप आत्मा के 8 अलग अलग भेद जानोगे। आत्मा 8 अलग अलग भेद से विभाजित है। संसारी जीव को ही हम आत्मा कहते हैं, संसारी जीव। वो हर एक जीव का मतलब ही आत्मा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? एक है मुक्त जीव, वो मुक्तात्मा, और संसारी जीव संसार आत्मा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप अब संसारी जीव जो 563 अलग 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 जगह, सब जगह पे टोटल मिलके 563 है, उसकी गणना अब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कर्म भूमि और अकर्म भूमि को जानेंगे। अभी मैं शब्द बोल गई, 15 कर्म भूमि 30 अकर्म भूमि, किसको समझ में आया? कर्म भूमि अकर्म भूमि किसे कहते हैं बताओ, कोई जानता है? या युगलिक हो या कर्म भूमि? तो युगलिक तो हमारे यहाँ भी होते हैं, पहले दूसरे तीसरे आ रहे, तीनों आ रहे में ना, जहाँ आ रहे चेंज है तो नहीं आ रहा तो जम्बूदीप ना बाहर नहीं, नहीं नहीं हमारे यहाँ आ रहा चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो कर्म भूमि ही है, अपनी तो कर्म भूमि है। हम्म, अनार्य भूमि नहीं, नहीं नहीं, वो तो अकर्म भूमि तो सारी की सारी अनार्य है, वहां से कोई मोक्ष नहीं जा सकता अकर्म भूमि से। आर्य भूमि अनार्य भूमि अलग बात, कर्म भूमि अकर्म भूमि क्या है? कर्म जहां से मोक्ष जा सको, ये बात भी सही है, लेकिन एक बात को ध्यान रखो, इसकी व्याख्या कुछ अलग रूप से है। असी मसी कृषि कर्म, जहां असी कर्म हो रहा हो, जहां मसी कर्म होता हो, जहां कृषि कर्म होता हो, उसे कर्म भूमि कहा जाता है। समझ में आया? जहाँ जो भूमि में असी कर्म होगा, मसी कर्म होगा, कृषि कर्म, आपको अनाज बोना पड़ेगा। जहाँ अकर्म भूमि है वहां तो कल्प वृक्ष है और उसको ही खाना है, वहां कोई अनाज नहीं बोना है, बराबर। ऐसे ही मसी कर्म, ऐसे ही कृषि कर्म, असी कर्म है वो हथियार का कर्म है, मसी कर्म, और मसी मतलब मत्सर भाव, मसी का मतलब क्या हुआ? मत्सर भाव, मत्सर भाव का मतलब क्या? किसी पे गुस्सा करना, किसी पे झगड़ा करना, किसी से लूट लेना, किसी को दान देना, इसको आप मत्सर भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मत्सर भाव। हृदय में मत्सर भाव होते हैं, यहाँ के जीवों के हृदय में मत्सर भाव होते हैं, लेकिन जहाँ अकर्म भूमि है वहां लड़ने के भाव नहीं होते उनके अंदर। वहां तो जो भी वनस्पति में से अगर बोर जितना आहार कर लेंगे कल्प वृक्ष से, एक बोर का एक चने का दाना खा लिया, पेट भर गया, और चने के दाने तो बहुत पड़े हैं, तो इसको लिए क्या किसी को किसी से झगड़ा करने की जरूरत है? नहीं नहीं है। और रहने के लिए कल्प वृक्ष है, मकान के लिए। अब इतने सारे कल्प वृक्ष है कि किसी भी जीव को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तेरा घर मेरा घर। तो यहाँ सांप और नोलिया भी झगड़ा नहीं करते, यहाँ गाय और बकरी भी झगड़ा नहीं करते, क्योंकि उनका पेट भी कल्प वृक्ष से ही भरता है। अब कल्प वृक्ष ही खाना हो तो
तो उनको किसी जीव को मारने की कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं, मारने की जरूरत तब पड़े जब मत्सर भाव हो। समझ में आ रहा है? हृदय में मत्सर भाव, हृदय में कुटिल भाव हो तो आप उसको मारने की इच्छा करो। यह मारामारी है ही नहीं, कोई किसी को नहीं मारता है, इसीलिए सारे के सारे मरने के बाद देवलोक जाते। ये भूमि में जितने भी जन्म लेते हैं, फिर वो बाघ हो, सिंह हो, सर्प हो, कोई भी हो, तिरियंच हो, कोई भी हो, सारे मरने के बाद कहाँ जाएंगे? देवलोक में जाएंगे। नियमा, क्योंकि असीम असी कृषि यहां नहीं है, बराबर। तो जहां असीम असी कृषि है उसको हम कर्म भूमि कहेंगे। ऐसी कर्म भूमि 15 है। कर्म भूमि के भी दो विभाग, ध्यान दीजिए, पहले कर्म भूमि अकर्म भूमि दो भेद आए, अब कर्म भूमि के भी दो विभाग है, क्योंकि कर्म भूमि अलग है। अब अकर्म भूमि में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बराबर। आपको मोक्ष जाने की कोई क्रिया ही नहीं करनी है, करनी है क्या? नहीं। अब अकर्म भूमि के दो भेद आए, क्या है? तो आर्य भूमि, अनार्य भूमि। कर्म भूमि के दो भेद, एक है आर्य भूमि, दूसरी है अनार्य भूमि। क्योंकि कर्म भूमि में कर्म तो करना है, मगर एक कोई भूमि ऐसी है कि जहां आप शुभ कर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिल सकता है। एक मिनट में जरा फोन ले लूं। हाँ, कर्म भूमि के दो भेद आए, उसमें एक भूमि ऐसी होगी कि जहां से आप पाप करो, ये करो, कुछ भी करो, आपका मोक्ष नहीं हो सकता, और वो नाम आ गया म्लेच्छ भूमि, यानी कि अनार्य भूमि, बराबर। और यहां एक ऐसी भी भूमि है कि जहां आप पुण्य कर्म कर सकते हो, पुण्य कर्म करने से आपका मोक्ष हो सकता है, आप मुक्त हो सकते हो, वो भूमि का नाम आया आर्य भूमि। तो यहां कर्म भूमि के दो विभाग आए, आर्य भूमि, अनार्य भूमि। बोलो, क्लियर हुआ? इससे एक बहुत बड़ी बात ये क्लियर हो गई, क्या ये आप चूज कर सकते हो कि मेरा जन्म आर्य भूमि में ही हो, मैं अनार्य भूमि में जाऊं ही नहीं? आपके पास चॉइस है? नहीं। आप ऐसी ही भूमि में रहना चाहो उसके लिए भी चॉइस है? हाँ, वो चॉइस है। कैसे? अनार्य भूमि में जन्म लूं और कैसे आर्य भूमि में रहना चाहो तो रह सकती हूँ। आप कैसे रह सकते हो? आप जाओगे, आप जाओगे और कोई देव वहां से उठा के आपको वहां छोड़ देगा जंगल में? वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊं अभी? हाँ। एक स्टोरी है, ऐसे तो वो माइथोलॉजी है लेकिन समझने जैसी है, कि यमराज कहीं जा रहे थे और उसने देखा एक कबूतर को, देखा एक छोटा सा कबूतर, कबूतर को उसने देखा और यमराज दो मिनट सोच में पड़ गए, ऐसे सोच में पड़ गए कि दो मिनट वो खड़े खड़े होके सोच रहे, कुछ बोले कुछ नहीं और आगे निकल गए। तो वहां एक वो गरुड़ पक्षी, जो गरुड़ होते हैं ना, गरुड़ पक्षी ने ये देखा, उसने यमराज से पूछा कि आपने ये पक्षी को क्यों ऐसे घूर घूर के देखा? तो यमराज बोले कुछ नहीं, मुझे ये, मैं ये सोच रहा हूं इसका मरने का वक्त तो आ चुका है, ये यहां बैठा है, बैठा अभी क्या कर रहा है, वो अपने मरने की जगह पहुंचा क्यों नहीं? अब गरुड़ देव ने, गरुड़ ने क्या किया, गरुड़ को पता चल गया कि यमराज ये पक्षी को यहां से उठा के चले जाएंगे, तो उसने क्या किया पता है? वो पक्षी को अपने चांच में लिया और बहुत दूर दूर, गरुड़ तो उड़ सकता है ना फास्ट, सात समंदर पार जाके छोड़ के आ गया, बहुत दूर छोड़ के आ गया और वापस आया यमदेव के पास। और फिर यमदेव के पास आके वो उड़ के वापस आया, बहुत समय निकल गया, और आने के बाद बोला कि अब आप उस पक्षी को कैसे मारोगे, मैंने तो उसको बहुत दूर छोड़ दिया। अब यमराज ने क्या बोला पता है? मैं भी वही सोच रहा था कि सात समंदर पार वो जगह पे इसको मरना है, अब ये वहां पहुंचेगा कैसे? इसका समय आ चुका है, ये सात समंदर पार इतने दूर तक अकेला उड़ के जाएगा कैसे?
कुछ समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया? हाँ, तो आप वो सोच रहे हो कि मैं अनार्य भूमि में रहूं तो मैं अपने आप मर्जी से आर्य भूमि में जाके रह सकती हूँ, पॉसिबल है? नहीं। बोलो। नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी दूसरी भी कहानी है, एक अंकल थे, उन्होंने सोचा मेरे को पालीताना में ही मरना है, मुझे पालीताना की भूमि में ही मरना है। उनको लगा था कि यही आर्य भूमि है, बाकी सारी अनर्य भूमि है, मैं पालीताना में मरूंगा। कितने साल तक वो पालीताना में रहे पता है? पालीताना छोड़ के बाहर नहीं गए, 20 साल तक। 20 साल तक वो पालीताना उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि कहीं मैं बाहर निकला और मर गया तो। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दामाद को एक्सीडेंट हुआ, अब जाना तो पड़ेगा, इतने दिन तो सब लोग आके मिल लेते थे, अब इसको जाना तो पड़ेगा। तो वहाँ से निकले गुजरात में, वो राजस्थान में उनको जाना था, ट्रेन में बैठे वहाँ से, और जैसे ही ट्रेन में बैठे मेहसाणा ट्रेन पहुँची, अटैक आए और मर गए। अब बोलो कि आपकी मर्जी हो कि मैं यहाँ जीना चाहता हूँ, मैं यहाँ मरना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, पॉसिबल है? नहीं। है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अब ये समझ में आ रहा है आर्य भूमि अनार्य भूमि का प्रभाव क्या है? आपको जो भूमि में, ये क्योंकि कर्म भूमि है, ये है क्या आर्य अनार्य है क्या? कर्म भूमि है, अकर्म भूमि तो है ही नहीं। अकर्म भूमि वाले जीव वो अकर्म भूमि छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, और उनका तो मोक्ष देवगति निश्चित है, उनका तो मोक्ष है ही नहीं, वो भी निश्चित, देवगति भी निश्चित है, और वो एरिया से तो उनको बाहर भी नहीं जाना। आज हिमवान पर्व, अरे हेमवतकूट के जो भी युगलिक है वो कभी भी हिरण्यवतकूट में जाके नहीं रह सकते। समझ में आया? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ के युगलिक वहां जाके कभी नहीं जा ही नहीं सकते, उनको भूमि छोड़नी ही नहीं। लेकिन आपके लिए है कर्म भूमि के दो जो भाग है, आर्य भूमि या अनार्य भूमि, वो भी अगर आप आर्य जीव हो, आप आर्य हो, आप शुद्ध आत्मा हो, जो आप अपने कर्म के हिसाब से बहुत ही जल्दी इसी भव में, ये चरम भव है, और आप मोक्ष जा सकते हो, तो ही आप आर्य भूमि में अपने आप रहोगे, आपको कोई नहीं रखेगा, आप अपने आप रहोगे। आप चाहो मैं यही रहूं और आप रह सकते हो, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि में हमेशा हर चीज का फल आपके कर्म के अनुसार मिलेगा। अनार्य भूमि में, अकर्म भूमि में कर्म भूमि नहीं है, अकर्म भूमि में कर्म का हिसाब, जो पुण्य लेके आए वो भोगना है बस, तब तक उधर रहना है, वहां कोई रोग दुख कुछ नहीं है। समझ में आया? वो अकर्म भूमि है, सिर्फ पुण्य भूमि है, लेकिन ये कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि में अगर पुण्य लिखा होगा आपके कर्म में तो पुण्य मिलेगा, आपके कर्म में पाप होगा तो पाप मिलेगा, आपके कर्म में ये कर्म खत्म करके नरक में जाना होगा तो आप यहाँ से नरक में जाओगे, और आपके कर्म में ये चरम भव है, ये भव के कर्म सारे खत्म करके मोक्ष जाना है तो आप यहीं से मोक्ष भी जाओगे। क्लियर हुआ? देखिए विभाजन कैसे हो रहा है, अकर्म भूमि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई कर्म नहीं करना है, कर्म भूमि यहाँ दो भेद पड़ गए, एक है आर्य भूमि, एक है अनार्य भूमि। आर्य भूमि में आप शुभ कर्म कर सकते हो, अनार्य भूमि में नहीं कर सकते। अनार्य भूमि से आप शुभ कर्म मान, यानी कि मोक्ष की साधना करनी आप नहीं कर सकते हो। तो भूमि का महत्व बहुत ज्यादा साबित हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। आओ इस कर्म भूमि के, आर्य भूमि के भाग के ऊपर मोक्ष मार्ग को जानने वाले और उसका उपदेश करने वाले तीर्थंकर भी जन्म लेते हैं। ये 15 कर्म भूमि में स्थित आर्य भूमि का भाग होता है। 15 कर्म भूमि में, हर एक कर्म भूमि में आर्य भूमि का कुछ ही भाग होता है,
अनर्य भूमिका ज्यादा होता है, ये क्लियर हुआ। जैसे कि भरत क्षेत्र 6 खंड है, आज हम अपनी दुनिया की बात करें, यहाँ 6 खंड है, तो उसमें से सिर्फ एक ही खंड में जम्बू दक्षिण भरत के मध्य खंड में ही आर्य क्षेत्र है, बाकी कहीं भी आर्य क्षेत्र नहीं है, आर्य भूमि नहीं है। बराबर बराबर ठीक है, क्योंकि आर्य भूमि से ही आत्मा का मोक्ष हो सकता है। तो 15 कर्म भूमि के जो अन्य अनार्य भूमि भाग है, वहां पे अनेक जाति के म्लेच्छ मतलब अनार्य मनुष्य, शक वो भी अनार्य, यवन वो भी अनार्य, चिलत ये जाति है, बर्बर, शबर, ये सारे प्रकार के अनार्य होते हैं। अनार्य का मतलब जिनके अंदर समझ नहीं है, जिनके अंदर विवेक नहीं, जिनके अंदर जागृति नहीं, ठीक है। इस अनार्य भूमि के भाग में से अनार्य का धर्म पामना और मुक्त होना संभव नहीं होता, क्योंकि ये भूमि में ही वो प्रताप नहीं है, पानी में ही दम नहीं है, अनाज में ही दम नहीं है कि वो खाने के बाद आप अपने अंदर पुरुषार्थ को जगा पाओ, मोक्ष की इच्छा कर पाओ और उस पर टिक पाओ, भूमि में ही ये फल नहीं है। अनार्य भूमि में से आप आर्य धर्म को कभी नहीं पा सकते और मुक्त भी नहीं हो सकते, तो भूमि, ये भूमि से मोक्ष संभव नहीं होता है। क्लियर हो गया। आर्य भूमि की बात करेंगे, भरत क्षेत्र के 25.5 आर्य देश, कितने 25.5 आर्य देश, एक भरत के 25.5 तो 5 भरत के उससे मल्टीपल करो, एक ऐरावत के 25.5 तो 5 ऐरावत को उससे मल्टीपल करो, एक महाविदे के एक विजय में भी 25.5 तो उसको भी आपको 32 महाविदे के टोटल 160 विजय को 25.5 से मल्टीपल करने, टोटल जितना भी एरिया आया ये सारा आर्य भूमि हुई, बाकी सारी अनार्य भूमि। बराबर बराबर चलो अब यहां तक तो समझ गए, भूमि का प्रभाव समझ गए। अब जो भूमि जैसी है वहां से जो जीव जन्मेगा वो बिल्कुल उसी के ही लायक होगा ना, अनाज जैसी भूमि है वैसा ही अनाज उत्पन्न होता है, तो जैसी भूमि है वैसे ही मनुष्य का अनाज खा खा के उसका मन, उसका शरीर भी तो वैसा ही होगा ना। तो अब हम आर्य भूमि अनार्य भूमि को तो जान लिए, अनार्य को भी जान लिया, अब आर्य को जानेंगे कि आर्य भूमि के आर्य कैसे होते हैं। तो आर्य भूमि के आर्य के 8 भेद बताए गए, कितने 8 भेद। देखिए आप, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ये लेके जा रही हूँ, देखिए तो मैं कर्सर घुमा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सुनो। आर्य के 2 प्रकार, अब आर्य के भी 2 प्रकार, कितने 2 प्रकार, दो। जैसे कि आर्य भूमि अनार्य भूमि थी, तो अब आर्य भूमि के लोग आर्य हैं, तो उसके पहले मुख्य 2 प्रकार है, एक है रुद्धि प्राप्त आर्य, दूसरा है अनरुद्धि प्राप्त आर्य। जिनको रुद्धि मिली है भाग्य से वो आर्य, और जिनको अभी तक भाग्य में अच्छे काम करने की रुद्धि प्राप्त नहीं हुई है तो अनरुद्धि प्राप्त आर्य भी मिलेंगे। अब समझ में आ रहा है कि अगर आपको पुरुषार्थ, आप समझ रहे हो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, बताओ नहीं तो नहीं। आपके कर्म में है तभी आप कर पा रहे हो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान दीजिए ये बात पे। तो रुद्धि प्राप्त आर्य हो तो ही आप, आपका कार्य सारा सरल होगा, उसी भव में आप मोक्ष भी जाओगे, लेकिन अनरुद्धि प्राप्त होंगे तो आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे, आप कितना भी पुरुषार्थ करो जा पाओगे नहीं जा पाओगे। आओ तो ये आ गए आपके, अब रुद्धि प्राप्त आर्य की बात की, अनरुद्धि प्राप्त आर्य के तो बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनका तो उस भव में कुछ नहीं होगा, लेकिन रुद्धि प्राप्त आर्यों का बहुत कुछ होगा, तो उसमें अब आएंगे हम। उसके भी 6 प्रकार है, कितने 6 प्रकार क्या क्या है, तो रुद्धि प्राप्त आर्य के 6 भेद में एक है अरियंत, फिर चक्रवर्ती,
फिर बलदेव, फिर वासुदेव, फिर चारण, फिर जीव और विद्याधर जीव। चारण जीव और विद्याधर जीव कितने? अरियंत परमात्मा के जीव, चक्रवर्ती के जीव, बलदेव के जीव, वासुदेव के जीव, चारण के जीव और विद्याधर के जीव। समझ में आया? इन सबके पास रुद्धि है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पुण्य है। जैसे कि अरियंत परमात्मा के पास रुद्धि है कि उनका शरीर वज्र वृषभ संग्रहण का होता है, वो रुद्धि हुआ ना, उसको रुद्धि बोलोगे ना। आपके पास नहीं है पर उनके पास है। चक्रवर्ती के पास भी है, उनकी सांसें बंद नहीं होती, कम नहीं होती, हमारी तरह नहीं कभी भी मर गए, है ऐसा? बलदेव के पास भी ऐसा नहीं है, वासुदेव के पास भी ऐसे ही चारण और जंगाचारण, विद्याचारण जीव और विद्याधर जीव, इनके पास भी शक्ति है। रुद्धि का मतलब ही शक्ति है, शुभ शक्ति, शुभ पावर, जिससे वो पुण्य से प्राप्त करते हैं। इन लोगों को पुण्य से ही मिलती है ना ये रिद्धि, या कुछ पैसे खर्च करने से मिलती है? पुण्य से, पुण्य से मिलती है। ठीक है, रुद्धि प्राप्त आर्य के 6 प्रकार मैंने बता दिए। अब अनरुद्धि प्राप्त आर्य के 9 प्रकार। कितने? 9 प्रकार। अब ये अनरुद्धि प्राप्त आर्य का तो कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी, मतलब संग्रहण भी जरूरी नहीं कि उनको छठाई हो। तो ये सारी कंडीशन में जो भी होंगे ना, इनको अनरुद्धि प्राप्त कहा जाता है। अब वो 9 प्रकार के हैं, कैसे हैं ध्यान दो। क्षेत्र अनरुद्धि प्राप्त, जाति अनरुद्धि प्राप्त, कुल अनरुद्धि प्राप्त, कर्म अनरुद्धि प्राप्त, शिल्प अनरुद्धि प्राप्त, भाषा अनरुद्धि प्राप्त, ज्ञान अनरुद्धि प्राप्त और दर्शन अनरुद्धि प्राप्त। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य, कर्म आर्य, शिल्प आर्य, भाषा आर्य, ज्ञान आर्य और दर्शन आर्य। समझ में आया? तो ये 8 प्रकार के आर्य हैं जिसको अनरुद्धि प्राप्त आर्य कहा जाता है। और एक एक आर्य की हम बात करेंगे। तो क्षेत्र अनरुद्धि प्राप्त आर्य का मतलब है जहाँ पे तीर्थंकर आदि का जन्म हो, वो भूमि क्षेत्र आर्य कही जाती है। तो जहाँ तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हो, तो वो तो हमारे भरत क्षेत्र में कहाँ है, 25.5 देश में ही तीर्थंकर जन्म लेंगे ना, कि उसके अलावा और कहीं में लेंगे? दक्षिण भारत के 25.5 आर्य देश छोड़ के बाकी के आर्य भूमि में क्या भगवान जन्म लेंगे? क्या बाकी की भूमि से मोक्ष जाओगे? तो आर्य भूमि कितनी, क्षेत्र आर्य कितना एरिया? 25.5 देश बस। ये अब बहुत लिमिटेशंस आ गया ये पूरे भरत क्षेत्र का। पूरा भरत क्षेत्र है कर्म भूमि, पूरा भरत क्षेत्र है कर्म भूमि, लेकिन उसमें आर्य अनार्य दोनों है। तो आर्य भूमि अलग, अनार्य भूमि अलग। पूरा 5 खंड अनार्य भूमि, 1 खंड आर्य भूमि हुई, बराबर। अब वो आर्य भूमि में भी, अब आर्य भूमि में भी अनरुद्धि प्राप्त आर्य, रुद्धि प्राप्त आर्य अलग। तो अनरुद्धि प्राप्त आर्य में कितना क्षेत्र? 25.5 आर्य देश। अब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप एक खंड में से भी कम जगह में आ गए। पूरे दक्षिण भरत खंड में से, पूरा खंड नहीं लेकिन उसमें से भी सिर्फ 25.5 देश में आए ना। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा भारत देश और नीचे जैसे जैसे जाओगे, पूरा हमारा ये खंड भी आर्य भूमि नहीं है, बराबर बराबर। बिहार आर्य भूमि होगी तो मध्य प्रदेश आर्य भूमि नहीं मिलेगी, नहीं पॉसिबल है ना ऐसा। आपको राजस्थान आर्य भूमि मिलेगी, गुजरात आर्य भूमि मिलेगी, तो कच्छ आर्य भूमि नहीं मिलेगी, पंजाब आर्य भूमि नहीं मिलेगी, ये भी पॉसिबल है ना। हाँ चलो अब आगे। तो क्षेत्र आर्य जहाँ पे भगवान आदि का जन्म होता है, भरत देश में मगध, राजगुरु आदि 25.5 नगर, यहाँ पे अनरुद्धि प्राप्त आर्य, क्षेत्र आर्य कहे जाएंगे।
अब दूसरा शब्द है जाति आर्य। क्या जाति आर्य? जाति आर्य में कौन सी जाति के आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, आप उसकी बात करेंगे। अभी हम जाति आर्य में अम्बष्ट, कलिंद, वेदेह, वेदंग, हरित तथा चुनचुणा, ये 6 प्रकार की पूज्य आर्य जाति है। बोलो, आपको आपको इसमें से एक भी किसी का भी नाम मालूम है अभी आज के जमाने में? बोलो नहीं। तो हम लोग भी आर्य जाति आर्य है कि नहीं वो भी पता नहीं चला सकते? चला सकते हो आप? ठीक है, तो अम्बष्ट, कलिंद, वैदेह, वेदंग, हरित और चुनचुणा, ये 6 प्रकार की जाति को ही आर्य शुद्ध आर्य जाति मानी है, पूज्य आर्य जाति मानी। बाकी के इसमें जन्मे हुए मनुष्य ही जाति आर्य होंगे, बाकी नहीं। बाकी नहीं, ये जाति की बात की है, क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय क्या है? कुल है, कुल, वो जाति नहीं है। आओ अब कुल आर्य की बात की है। कुल अनरुद्धि प्राप्त आर्य, उसमें राजन्य कुल, भोग कुल, उग्र कुल, इक्ष्वाकु कुल, ज्ञात कुल तथा कौरव्य कुल, कितने कुल? 6। 6 कुलों में जन्मे को कुल आर्य कहा जाएगा। तो आपको जैसे मालूम हो तो राजन्य कुल, तो जो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं ना वो राजन्य कुल में ही जन्म लेते हैं। फिर उग्र कुल, इक्ष्वाकु कुल, उग्र कुल का मतलब क्षत्रिय कुल हुआ। फिर इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु कुल परमात्मा ऋषभदेव का कुल इक्ष्वाकु ही कहा जाता था ना। तो इस प्रकार से कुल, ये कुल के ही आर्य होते हैं। अब आओ कर्म अनिरुद्धि प्राप्त आर्य। कर्म से आर्य कौन? तो सूतर बेचने वाले, जो सूतर कपड़े का काम करेंगे वो कापड़िया, कपास बेचने वाले, कुंभार, जो कुंभार आदि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो, फिर पालखी उठाने वाले आदि कर्म आर्य है, इनको कर्म आर्य कहा जाता है। फिर शिल्पार्य तूण वणकर, पटोला बनाने वाले, सादड़ी, फिर जो जो ऐसे काम करने वाले हैं, चाखड़ी, मशक, मूंज की पादुका, छतरी, वाहन, पूछड़ी के बाल का शिल्प, शंख का शिल्प, दांत का शिल्प, भांड का शिल्प, कोड़ी का शिल्प और भाला आदि का काम करने वाले को शिल्प आर्य कहा जाता है। उसके बाद है भाषा अनिरुद्धि प्राप्त आर्य। तो भाषा में अर्धमागधी भाषा बोलने वाले, ब्राह्मी आदि लिपि का ज्ञान रखने वाले, उनको भाषा आर्य कहा जाएगा। अगर आपको सूत्र आते हैं तो आप भाषा आर्य हो, अगर सूत्र नहीं आता है तो आप क्या आर्य हो? आप हाँ ब्राह्मी, अगर आनी चाहिए ब्राह्मी लिपि आनी चाहिए तो आप भाषा आर्य हो। इंग्लिश, जर्मनी ये सब जानने से क्या आप भाषा आर्य बन सकते हो? नहीं। आओ ठीक है, अब आया सातवां ज्ञान अनिरुद्धि प्राप्त आर्य, मतलब ज्ञान आर्य। मति आदि 5 प्रकार के ज्ञान अनुसार, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञानों के अनुसार किसी भी एक ज्ञान को भी जानने वाला ज्ञान आर्य। ठीक है, तो ये 5 ज्ञान की बात की है। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये अज्ञान वाले नहीं। यहां भी 2 भेद आ गए, ज्ञानी में भी। जो ज्ञान सहित है वो ज्ञान आर्य और जो अज्ञान सहित है वो ये ज्ञान आर्य में आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्य व्यक्ति बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब दर्शन अनिरुद्धि प्राप्त आर्य। दर्शन मतलब समझ, दर्शन मतलब कोई भी चीज को समझ पाना, देख पाना। दर्शन आर्य भी 2 प्रकार के, सराग दर्शन और वितराग दर्शन आर्य। आपका दर्शन कैसा है, सराग है या वितराग है?
वितराग कहाँ से? भगवान को देखने से वितराग हो गए? सराग का मतलब, वितराग का मतलब क्या है पता है? हमारी समझ में वितरागता है, हमारी कोई भी समझ होगा, खाना बनाना है, किसी ने कुछ बोल दिया, गड़बड़ खाने में कर दी, तो गुस्सा तुरंत आ जाएगा, तो सराग है या वितराग है? सराग है। अगर बस, तो अगर कुछ भी कोई बोलेगा कि आज खाना ठीक नहीं है, तो गुस्सा करोगे? जो करे करोगे नहीं। हाँ, अब समझ में आया कि आर्य को क्या करना चाहिए? वितराग होना चाहिए। वितराग होना चाहिए, आपको वितराग रहना चाहिए, अगर है तो ही दर्शन आर्य हो। अगर आपके अंदर वितरागता नहीं है तो आप दर्शन आर्य नहीं हो। अब अभी मैं बोल रही हूँ, सुनिए जरा, और इसमें और ज्यादा डिटेल से बताए। सराग दर्शन आर्य, वितराग दर्शन आर्य में वितराग दर्शन आर्य दो प्रकार से है। उपशांत कषाय, जिन्होंने अपने कषाय को जानबूझ के उपशांत किए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए ही उपशांत किए, बाकी तो अंदर तो बहुत गुस्सा भरा है, क्या होगा? गुस्सा भरा है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कभी ना कभी तो निकलेगा। हाँ। तो वो तो उपशांत हो गया, वो चलेगा नहीं। और क्षीण कषाय, मतलब आपने धीरे 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 करके गुस्सा ठंडा कर लिया है। हाँ। ठंडा कर लिया, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन कोशिश करते हो कि मुझे गुस्सा कम आए। अगर ऐसे संजोग निमित्त खड़े हो तो मैं यही बोलूं भाई कि ये समय भी शांति से निकल जाए, मैं ये गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, ये तो हो सकता है ना? हाँ। ये तो हो सकता है, आप जवाब ही ना दो। अगर एक दो सवाल बोले हैं तो एक से काम चल जाए तो एक से ही काम चलाओ, दो बात सुनाने की जरूरत नहीं है, ये भी हो सकता है ना? हो सकता है। हाँ, फिर धीरे धीरे तो वो एक बात भी निकल जाएगी। अंदर दबाने से तो इस प्रकार से शांत होना ज्यादा अच्छा है ना? हाँ। ठीक है, तो ये जो क्षीण कषाय, उसको क्षीण कषाय बोलते हैं, जिनके कषाय क्षीण हो चुके हैं वो है वितराग दर्शन अनिरुद्धि प्राप्त आर्य, बराबर। अब जो क्षीण कषाय आर्य है ना, उसके भी दो भेद है, कितने? दो भेद। कौन से? तो छद्मस्थ और केवली। अब जो छद्मस्थ है, जिन्होंने वैराग्य ले लिया है, जिनके कषाय बहुत क्षीण हो चुके हैं, उनको तो जैसे गज सुकुमाल जैसे माथे पे भी पगड़ी बांधेंगे तो भी गुस्सा नहीं आएगा, आग आग अगर जलाएंगे तो भी। समझ में आ रहा है? हाँ। और केवली भगवान, उनको तो बिल्कुल कषाय नहीं है। भगवान महावीर के ऊपर गोशालक ने तेजोलेशा छोड़ी, उनको गुस्सा आया नहीं? आया ना? तो वो हो गए क्षीण कषाय। आओ, अब केवली के भी दो भेद, धीरे धीरे अंदर अंदर दो दो भेद आ रहा है, समझ में आया? केवली के भी दो भेद, सयोगी केवली, अयोगी केवली। तो ये आपके हुए दर्शन आर्य, ये सारे दर्शन आर्य वाले। अब आओ नौवे में, नौवा भेद चारित्र अनिरुद्धि प्राप्त आर्य। कहाँ पे आओगे अभी आप? लास्ट भेद है, अंतिम नौवा, चारित्र। तो उसके भी दो भेद है, सराग चारित्र, वितराग चारित्र। तो सराग चारित्र सहित भी है जीव, और वितराग चारित्र कि बस परमात्मा की तरह ही दीक्षा लेके उनकी तरह रहेंगे, वो है वितराग चारित्र। अब समझ में आ रहा है आत्मा की कितनी स्थिति है, हमारे आत्मा की कितनी स्थिति है, हम इनमें से कौन सी स्थिति में है बताओ? और हमें कौन सी स्थिति में जाना चाहिए? धीरे 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 दर्शन आर्य से तो क्लियर होना चाहिए, है ना? कोशिश करेंगे, सोचेंगे, तो ये भव में नहीं तो अगले भव में तो जरूर होगा। ये भव में निमित्त ना मिले, कर्म के अधीन रहे, अगले भव में तो मिलेगा? मिलेगा।
हाँ ठीक है, चलो तो ये आपका आर्य का टॉपिक खत्म हुआ। अब आपको ये समझ में आया कि आर्य संस्कृति तक पहुंचने के लिए भी कितने कितने प्रकार से आगे गुजरना पड़ेगा। खाली मनुष्य भव मिल गया तो क्या चल गया? नहीं। अब समझ में आ रहा है कि जो कितने कितने मनुष्य के योनि है? 14 लाख। बराबर 14 लाख मनुष्य योनि माथी कितनी है? 14 लाख। उसमें से आपको कहाँ पहुंचना है? दर्शन आर्य तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? आप उल्टा जाओ, चारित्र आर्य दर्शन आर्य बनना है तो अपने आप आपको क्षेत्र आर्य अच्छा मिलेगा, अपने आप आपको कर्म भूमि मिलेगी, हर चीज अच्छी मिलेगी ना। आप उल्टे से जाओ, आप ये सोचो कि सहयोगी केवली तक हमको पहुंचना है। तो सहयोगी केवली आर्य तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे आगे की सारी चीज प्लस होगी तो ही यहाँ पहुंचोगे ना। तो आपको अभी कौन सा लक्ष्य रखना है अगले 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 आने वाले कुछ भवों में? आपको कहाँ तक पहुंचना है? सहयोगी, बस दर्शन आर्य में भी सहयोगी केवली तक, ठीक है? हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। बोलो, कोई प्रश्न है? आर्य में ये आर्य का टॉपिक हो गया आपका, आर्य संस्कृति, क्षेत्र आर्य, दर्शन आर्य, चारित्र आर्य, सब हो गया। ये तो हुए मनुष्य के बात, कर्म भूमि के मनुष्य की बात। तो कर्म भूमि के जितने भी 101 मनुष्य है और उसमें उसके 303 भेद है, 101 मनुष्य के 303 भेद कैसे हुए? तो गर्भज, समूर्छि, गर्भज पर्याप्त अपर्याप्त और समूर्छि, समझ में आ गया, अपर्याप्त, ये तीन 101 मनुष्य के क्षेत्र, उसमें 101 में 101 गर्भज पर्याप्त, 101 गर्भज अपर्याप्त और 101 समूर्छि अपर्याप्त, तो 303 भेद हो गए। तो आपके मनुष्य के 303 भेद हो गए। अब हम देवों की बारी करेंगे, अब हम देव के लिए जाएंगे। मनुष्य में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं आगे जाऊं? ठीक है। देवों के चार प्रकार है, भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिष, कौर, वैमानिक। ये चारों देवों के विभाग है, भेद है। उसमें से भवनपति के 10 भेद, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्धि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार, स्तन कुमार। वाणवेंतर के भी 8 भेद है, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ज्योतिष के भी 5 भेद है, सूर्य ज्योतिष विमान, चंद्र ज्योतिष विमान, ग्रह ज्योतिष विमान, नक्षत्र ज्योतिष विमान और तारा ज्योतिष विमान। वैमानिक देव के 2 भेद है, कल्पोप्रपन्न, कल्पातीत। उसमें से कल्पोप्रपन्न, जहाँ स्वामी सेवक भाव का व्यवहार है, ऐसे 12 देवलोक है। पहला सौधर्म देवलोक, दूसरा ईशान देवलोक, तीसरा सनत देवलोक, चौथा महेंद्र देवलोक, पांचवा ब्रह्म देवलोक, छठा लांतक देवलोक, सातवा महाशुक देवलोक, आठवा सहस्त्रार देवलोक, नौवा आणत देवलोक, दसवा प्राणत देवलोक, 11वा आरत देवलोक, 12वा अच्युत देवलोक। ठीक है, ऐसे 12 भेद हुए कल्पोप्रपन्न वैमानिक देव के। अब आया कल्पातीत वैमानिक देव। कल्पातीत वैमानिक देव के 9 ग्रहवेयक और 5 अनुत्तर, ऐसे विमा भेद हुए। तो ग्रहवेयक के भी ऊर्ध्व, अधो, मध्य और इन सबके 3-3 भेद, तो टोटल 9 भेद हो गए। और अनुत्तर विमान के 5 भेद है, क्योंकि विमान 5 है। 5 विमान के नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वाधिक। तो इस प्रकार के देवों के भी सभी पर्याप्त और अपर्याप्त, सबके पर्याप्त और अपर्याप्त, टोटल 198 भेद। ठीक है, 99 पर्याप्त, 99 अपर्याप्त। समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, अब देखो, जो आपने आत्मा की बात की है,
अब उस आत्मा में से जो आपने अलग 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 प्रकार के देखे थे ना, क्षेत्र आर्य, वो आर्य की बात की थी, क्षेत्र आर्य, कुल आर्य, राजन्य आर्य, जो हमने आर्य के भेद देखे ना, वो आर्य की बात की थी। अब मनुष्य के जो हरेक जीव, मैं तो खाली मनुष्य, अब मनुष्य की बात नहीं आ रही है, अब प्रत्येक आत्मा की बात आ रही है। किसकी आ रही है? प्रत्येक आत्मा की बात आ रही है, प्रत्येक जीव के अंदर रहा आत्मा, आत्मा की बात की है कि कितने भेद है आत्मा के? 8 प्रकार के भेद है। कितने भेद है? 8 प्रकार के भेद। सबसे पहला, वो आठों के मैं एक बार नाम बोल दूं, पहला भेद है द्रव्यात्मा, दूसरा है कषायात्मा, तीसरा है योगात्मा, चौथा है उपयोगात्मा, पांचवा है ज्ञानात्मा, छठा है दर्शनात्मा, सातवा है चारित्रात्मा और आठवां है वीर्यात्मा। ठीक है, तो ये आठों भेद हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, 8 प्रकार के आत्मा है, कोई भी एक आत्मा 8 प्रकार का होगा। उसमें सबसे पहले बात करेंगे द्रव्यात्मा, तो जो त्रिकालवर्ती आत्मा द्रव्य, वो है द्रव्यात्मा। मतलब द्रव्य से आत्मा, द्रव्यात्मा का मतलब क्या? द्रव्य से आत्मा, जैसे द्रव्य से पुद्गल है ना, ये मेरा शरीर, वो द्रव्य से पुद्गल हो गया शरीर, तो शरीर के अंदर रहा हुआ आत्मा भी तो द्रव्यात्मा है, वो द्रव्यात्मा है तभी ये शरीर के अंदर है ना। तो किसी भी शरीर के अंदर रहा आत्मे को आप क्या बोलोगे? द्रव्यात्मा। ठीक है, त्रिकालवर्ती, तीनों काल में आत्मा द्रव्य आत्मा का ही होता है, किसी और का हो सकता है द्रव्यात्मा? मतलब कि द्रव्यात्मा कभी पुद्गल का आत्मा हो सकता है, पुद्गल द्रव्य का कैसे हो सकता है? वो पुद्गल द्रव्य में आत्मा गया और अपने आप समय होते बाहर निकल गया, पुद्गल द्रव्य में से उसने कुछ भी लिया, फिर वो उसमें से कुछ भी साथ में लेके जाता है क्या शरीर से? ये शरीर से नहीं, कुछ लेके नहीं जाता, वो कुछ भी लेके नहीं जाता। तो द्रव्यात्मा त्रिकालवर्ती तीनों काल में आत्मा द्रव्यात्मा होता ही है, होता है कि नहीं होता है? और ये सर्व जीवों को होता है, द्रव्यात्मा सर्व जीवों को होता है, सर्व आत्मा को होता है, जीव का मतलब ही आत्मा है यहाँ पे। ठीक है, अब आत्मा, आत्मा या आत्मा प्रदेश और आत्मा को हम द्रव्यात्मा कहेंगे, समझ में आया? जो मुक्त हो चुका है, जो मुक्त हो चुका है वो हो गया मुक्तात्मा, सिद्धात्मा आप बोलते हो ना। हमारा आत्मा कैसा है? द्रव्यात्मा। हमारा कैसा है? हमारा आत्मा मुक्त हुआ है अभी तक नहीं, वो द्रव्य से, वो द्रव्य से भरा हुआ है, है ना, भरा हुआ, उसके ऊपर कर्म लेशिया सब लगे हुए है कि नहीं? आठों कर्म से हमारा आत्मा लेपित है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यात्मा ही बोलेंगे ना। हाँ, हमारा आत्मा द्रव्यात्मा है और आठों कर्म से लेपित है। ठीक है, आगे जाए, अभी आगे बोलू? ओके, तो अब ध्यान दो, ये सर्व जीवों को होता है, द्रव्यात्मा सर्व जीवों को होता है। जिसे द्रव्यात्मा होता है उसे कषायात्मा और योगात्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहले मैं एक बार आठों आत्मा की परिभाषा दे दूं, फिर ये बात बोलूंगी, ओके? क्योंकि आपको कषायात्मा और योगात्मा नहीं पता है ना, ये मुद्दा बहुत महत्व का है। द्रव्यात्मा की तरह कषायात्मा है, तो कषायात्मा का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा के ऊपर कषाय लगे हुए हो, जो आपको ये 10 संगना मालूम है ना, 10 संगना में 4 कषाय की संगना है, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ
क्रोध संगना, माया संगना, फिर मान संगना और लोभ संगना, चारों संगना आत्मा पे लगी हुई है ना। तो जिनके ऊपर ये चारों संगना, कषाय संगना लगी हुई है, उसको क्या बोलोगे आप? कषाय आत्मा। क्या बोलेंगे हम? तो ये सब कषाय जीवों को तो होता ही है ना। हाँ, लेकिन जो उपशांत, जो गुस्सा शांत करके बैठे हैं, उनको भी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। जो जो शांत करके बैठे हैं उनको नहीं होता है, जो उपशांत करके बैठे हैं उनको होता है। उनको होता है, जो उपशांत करके बैठे उनको तो होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्षीण कषाय को नहीं होता है, लेकिन उपशांत को तो होता है। तो अब तीसरे द्रव्यात्मा, कषाय आत्मा, अब तीसरे आत्मा की हम बात करेंगे, योगात्मा। अब कौन सा आत्मा आया? योगात्मा। योगात्मा ये सारे हमारे अंदर भी है, आप ध्यान दो। मेरा आत्मा, द्रव्यात्मा तो है ही, उसके बाद कषाय आत्मा भी है ना। कभी कभी या बहुत बार मैं गुस्सा करती हूँ कि नहीं करती हूँ? हमसे गुस्सा तो होता ही है, तो हमारे अंदर कषाय आत्मा भी है कि नहीं है? अब आया तीसरा योगात्मा। योगात्मा का मतलब क्या? योग, जो आत्मा योग करता हो। हम कौन सा योग करते हैं? योग तो तीन ही है शास्त्र में, और कोई नहीं। योग का मतलब योग साधना मत समझ लेना। तीन योग है, मनो योग, वचन योग और काय योग। तो ये तीनों योग तो हम करते ही है ना। जो तीन, मन वचन काया के योग अथवा व्यापार के योग, मन का व्यापार, मनो व्यापार भी करेंगे, काया का व्यापार भी करेंगे, वचन का व्यापार भी करेंगे, तीनों से युक्त आत्मा को योगात्मा कहा जाता है। समझ में आ गया? अब उपयोग आत्मा। अब उपयोग की बात की है। आप जैसे योग कर रहे हो, मन वचन काया से टोटल कितने उपयोग होते हैं? 12। उपयोग के कितने प्रकार हैं? 12 उपयोग है। 4 मनना, 4 वचनना, एवं कई 6। 4 मन के उपयोग है, 4 वचन के। वो मैं आपको 12 उपयोग कैसे हो रहे हैं वो ढूंढ के लाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन उपयोग है 12। तो जो आप, उपयोग का मतलब ही है बोध व्यापार, जानने की क्रिया। आप जो भी समझे हो या जो भी कर रहे हो उसको बार बार जानो और उसको उपयोग में लाओ। सामान्य बोध और विशेष बोध, समझ में आ रहा है? किसी भी वस्तु का सामान्य बोध, जैसे कैसे खाना बनाना है वो सामान्य बोध हुआ, कैसे अनाज उगाना है, कैसे सब्जी काटनी है, ये सामान्य बोध है। और विशेष बोध कैसे होगा, तो क्या न्यू वैरायटी बनानी। आप सामान्य खाना बनाओ और वैरायटी बनाओ, दो में फर्क है ना, वो विशेष बोध हो गया। ठीक है, तो उपयोग आत्मा भी होता है हमारे अंदर, योगात्मा भी है, उपयोग आत्मा भी। अब पांचवा है ज्ञानात्मा। कौन? ज्ञानात्मा, सम्यक विशेष बोध रूप ज्ञानात्मा, सर्व सम्यक दृष्टि को होता है। तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान होगा, लेकिन वो ज्ञानात्मा तो होगा ही ना। कोई भी आत्मा ज्ञानात्मा तो होता ही है, या तो वो सम्यक ज्ञानी होता है या वो मिथ्या ज्ञानी होता है। अब उसके बाद छठा है दर्शनात्मा। तो सामान्य बोध वाला दर्शन, जिसको हम सामान्य ज्ञान, सामान्य दर्शन बोलते हैं, समझ शक्ति, वो भी सब में होती है? होती है कि नहीं? अपने बच्चे को कैसे बचाना है वो एक चकली को भी पता है ना, पता है कि नहीं? कोयल को मालूम है कि नहीं अपने बच्चे को कैसे बचाना है? कबूतर अपने बच्चे को कैसे उड़ाना है वो सिखाता है, बराबर? ये है सामान्य, ये है सामान्य ज्ञान, सामान्य अवबोध, अवबोध रूप, उसको दर्शनात्मा कहेंगे, दर्शन कहेंगे।
ठीक है, वो दर्शनात्मा। अब चारित्रात्मा, चारित्रात्मा वीरति वाले जीवों को ही चारित्रात्मा होता है। वीरति को ही चारित्र बोलोगे ना आप, तो उस वीरति के लिए आंशिक भी वीरति लानी है, तो हमें श्रावक धर्म का थोड़ा सा भी पालन करना जरूरी होगा, तो ही आप श्रावक धर्म के चारित्र में आ सकते हो। बराबर बराबर। अब ये सात आत्मा हुए, तो आपको अब इसमें आगे वीर्यात्मा, आठवां नाम है वो है वीर्यात्मा। सातवां है चारित्रात्मा, आठवां है वीर्यात्मा। शायद मैं यहाँ आठवां लिखना भूल गई हूँ, आठवां वीर्यात्मा है। तो वीर्यात्मा का मतलब क्या हुआ ये जानते हो आप? वीर्य का मतलब है शक्ति, अंदर की शक्ति। तो अंदर की शक्ति तो किसी भी आत्मा में अपने कर्मों को हटाने की शक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। तो वीर्यात्मा का मतलब है कि कुछ करने की, पुरुषार्थ करने की शक्ति, जो संजोग मिले हैं उसमें से बाहर आने की शक्ति। बराबर। ये आठों प्रकार के आत्मा तो आपने जाने, अब कौन से आत्मा आप एक आत्मा सहित हो या आठों प्रकार के सहित हो, अब उसको हम जानेंगे। ओके आओ। दर्श द्रव्यात्मा, जो द्रव्यात्मा है उसके पास द्रव्यात्मा के अंदर कषायात्मा और योगात्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आया? हर एक द्रव्यात्मा कषायात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जो द्रव्यात्मा सकरण वीर्य की अपेक्षा से सिद्ध के जीवों को वीर्यात्मा नहीं है। है बताओ, है क्या? नहीं, नहीं है। अच्छा, सिद्ध के जीव कषायात्मा भी नहीं है, सिद्ध के जीव योगात्मा भी नहीं है, लेकिन द्रव्यात्मा तो है ना? उनका पुद्गल द्रव्य जो शरीर है वो आत्रे भरने के बाद घन स्वरूप में 2/3 भाग जितना तो हो ही गया है ना आत्मा का, द्रव्यात्मा। आप उनका आत्मा द्रव्य के बगैर है ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना, आत्मा तो द्रव्य है ही। आत्मा द्रव्य, अभी शब्द याद आ रहा है आपको? आत्मा को द्रव्य कहा गया है, आत्मा द्रव्य। बिना द्रव्य का तो कोई आत्मा होता ही नहीं है, ये समझ में आया? हाँ। तो सिद्ध के जीवों को भी द्रव्यात्मा है, लेकिन क्या उनको बाकी के सातों आत्मा है? नहीं है। बस परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। जिसे द्रव्यात्मा है उसे ज्ञानात्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो जिनको, जो ज्ञानी उनको होगा, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान नहीं होगा। बराबर, उनको अज्ञान होगा, कहने का अर्थ ये। अब आओ, द्रव्यात्मा को उपयोगात्मा और दर्शनात्मा अवश्य होता है। जो भी द्रव्यात्मा है उनको उपयोगात्मा तो होता ही है और दर्शनात्मा भी है। क्यों? क्योंकि दर्शन का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन हुआ ना। अब जो द्रव्यात्मा जिनके पास होता है उसको चारितात्मा विकल्प से हो सकता है, क्योंकि सिद्ध और आत्मा, जो आत्मा वीरति से रहित है उनको चारित्रात्मा नहीं होता। ये भी बराबर समझ में आया? जो द्रव्य, जो द्रव्यात्मा है वो सबके सब चारित्र आत्मा है क्या? नहीं, नहीं है, नहीं है। तो कोई चारित्र आत्मा है, कोई चारित्र आत्मा नहीं है। अब जिसको द्रव्यात्मा है उसको वीर्यात्मा भी, सबको नहीं होता है ना, संसारी जीव को ही होता है, मुक्त जीव को होता है वीर्यात्मा? नहीं, नहीं। नहीं, उनको अब वीर्य को स्फुरण करने की जरूरत नहीं है, तो उनको वीर्यात्मा नहीं होता है। समझ में आ गया द्रव्यात्मा? अब आओ कषायात्मा। तो क्रोधादि कषाय युक्त आत्मा जो सकषाय जीवों को होता है, परंतु उपशांत कषाय और क्षीण कषाय जीवों को कषायात्मा नहीं होता। मतलब जो जिनके कषाय क्षीण हो चुके हैं उनके अंदर कषाय नहीं है।
ठीक है, पर जिनको कषाय आत्मा है उनको योगात्मा जरूर होता है, क्योंकि बिना योग कषाय रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, कषाय रहता ही मन वचन काया में, ठीक है। तो योगात्मा है उसको भी कषाय आत्मा या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि सहयोगी केवली को तो नहीं होता है सकषाय। सहयोगी केवली को कभी कषाय होगा? योगात्मा तो है ना वो। हाँ, अब आगे आओ। जिसको कषाय आत्मा है उसको उपयोग आत्मा अवश्य होता है, उपयोग के बिना कषाय ठहरेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, उपयोग रहित जो जड़ पदार्थ है उसको कभी कषाय होता है? होता है। इसको कषाय है बोलो? नहीं, नहीं। तो जो उपयोग सहित है उसको तो कषाय होगा ही होगा, ये कंफर्म। हाँ, आओ आओ आगे जाएंगे। जिसे कषाय आत्मा हो उसे ज्ञानात्मा विकल्प से होता है, क्योंकि कषाय है जिसके अंदर, उसके अंदर सम्यक ज्ञान होगा ही, आप इसको नहीं मान सकते। मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता है। ज्ञानात्मा को कषाय आत्मा हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जिसको कषाय आत्मा होता है उसको दर्शन आत्मा अवश्य होता है। दर्शन में भी कषाय दर्शन होता है कि नहीं? होता है। कषाय सहित जिसको दर्शन होगा उसको मिथ्या दर्शन जरूर होगा, होगा ना? कषाय आत्मा को चारित्र विकल्प से होता है। आपको विकल्प से मिलेगा चारित्र, क्योंकि चारित्र हो वो कषाय रहित हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। चारित्र आत्मा के अंदर कषाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। कषाय इसमें सामायिक आदि चारित्र मतलब श्रावक जो है उनको कषाय आत्मा जरूर होता है, वो कभी कभी भी उनके अंदर से कषाय जागेगा। लेकिन जो इसी भव में तद्भव चरम भवी है और मोक्ष में जाने वाले यथाख्यात चारित्र है कि अब इनका मोक्ष निश्चित है, उनको तो कषाय आत्मा नहीं होगा ना? नहीं होगा। कषाय आत्मा को वीर्यात्मा तो होता ही है, लेकिन वीर्यात्मा को कषाय आत्मा या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। कषाय आत्मा को तो वीर्यात्मा होगा ही, क्योंकि वीर्य ही ज्यादा कषाय कराएगा ना उसको। वीर्य हिम्मत है, शक्ति है, वो शक्ति या तो आपको मोक्ष ले जाए या आपको ज्यादा कषायी बनाए, बराबर। तो बिना शक्ति तो आप कषाय कर ही नहीं पाओगे, लेकिन वीर्यात्मा को कषाय आत्मा हो वो जरूरी नहीं। उसके बाद आया योगात्मा। तो मन वचन काया के योग करने वाले आत्मा के आत्मा को तो उपयोग आत्मा तो रहेगा ही रहेगा ना, बिना उपयोग तो आप योग कर ही नहीं पाओगे। तो सिद्ध और संसारी सभी जीवों को उपयोग आत्मा होता है। ध्यान दो कि सिद्ध भगवान को भी उपयोग आत्मा तो होता ही है, सिद्ध जो हो चुके हैं उनको भी उपयोग आत्मा होता है। इस प्रकार से द्रव्यात्मा का भी बात की है। अब आओ, ज्ञानात्मा हो उसको दर्शनात्मा अवश्य होता है, दर्शनात्मा हो उसको ज्ञानात्मा विकल्प से होता है। दर्शनात्मा को ज्ञान हो ही वो जरूरी नहीं। जिनको ज्ञानात्मा है उनको चारित्रात्मा भी विकल्प से होता है, लेकिन चारित्र को ज्ञानात्मा अवश्य होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? जिनको चारित्र होगा उनको ज्ञान तो होगा ही ना, बिना ज्ञान के वो थोड़ी चारित्र लेगा। हाँ, ठीक है। तो ज्ञानात्मा और वीर्यात्मा दोनों परस्पर विकल्प से होता है। अब जो ज्ञानात्मा है उसके अंदर वीर्यात्मा तो है ही, क्योंकि वीर्य नहीं होता तो वो ज्ञान में आगे स्फूर्णा कैसे हो पाती, बताओ? नहीं हो पाती, ठीक है। अब दर्शनात्मा की बात की है, तो दर्शनात्मा तो सभी जीवों में होगा ही होगा ना, सामान्य अवबोध है। दर्शनात्मा का मतलब है सामान्य बोध,
सामान्य बोध तो प्रत्येक जीव में होता है, ठीक है, पर ये सामान्य बोध चारित्रात्मा और वीर्यात्मा को जरूरी नहीं कि हो, लेकिन दर्शनात्मा चारित्रात्मा और वीर्यात्मा को दर्शनात्मा जरूर होता है। समझ में आया? हाँ, चारित्रात्मा को दर्शनात्मा जरूर, चारित्रात्मा को सम्यक दर्शन है तभी तो वो सम्यक चारित्र का पालन करेगा। चारित्रात्मा वीरती वाले जीवों को ही चारित्रात्मा होता है। चारित्रात्मा किसको होता है? जो व्रती है वो, जो व्रती नहीं है, कभी भी कुछ भी करो, कोई व्रत की जरूरत नहीं, उसको चारित्रात्मा नहीं कह सकते, ठीक है। सर्व से थोड़े कौन है चारित्रात्मा? सर्व से थोड़े कौन? ये पूरे संसारी जीवों में से चारित्रात्मा मतलब मनुष्य ही ये चारित्रात्मा रख सकते हैं कि अपने आप को सीमित में ला सकते हैं, चारित्र का पालन कर सकते हैं, लेकिन सबके सब मनुष्य तो होते नहीं ऐसे, इसलिए सर्व से थोड़े चारित्रात्मा। ज्ञानात्मा चारित्रात्मा से अनंत गुण हो गए, क्योंकि ज्ञान तो सब में है। कषायात्मा उससे भी अनंत गुण हो गए, ज्ञानी हो और कषाय भी हो, यह भी संभव है ना। योगात्मा उससे भी ज्यादा, क्योंकि मन वचन काय का योग तो उससे भी ज्यादा जीव करेंगे। वीर्यात्मा उससे भी ज्यादा, ताकत सबके जीव के अंदर है। उपयोगात्मा दर्शनात्मा द्रव्यात्मा उससे भी ज्यादा, और परस्पर तुल्य है। उपयोग के बगैर आप सम्यक दर्शन पा सकोगे? उपयोग के बगैर द्रव्यात्मा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जितने द्रव्यात्मा उतने ही उपयोगात्मा हो गया और उतने ही दर्शनात्मा हो गया, ठीक है। अब आया लास्ट वीर्यात्मा, आठवा। वीर्यात्मा के लिए करण वीर्य वाले संसारी आत्मा को ही होता है। एक मिनट मैं जरा फोन ले लूं। कषायात्मा समझ पड़ी बद्धा ने? समझ पड़ी? चलो अभी मैं ये इसी मुद्दे को बस अभी जो लास्ट सेंटेंस है उससे मैं खोल देती हूँ। आत्मा का स्वरूप, ये आठ प्रकार के आत्मा बताए हैं, उसमें से मेरा आत्मा आज अभी कौन से स्वरूप में है? गौतम स्वामी ने परमात्मा से पूछा, हे प्रभु, आत्मा ज्ञान स्वरूप है या अज्ञान स्वरूप? ये बड़ा क्वेश्चन है ना, कि भाई आत्मा क्या है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, आत्मा क्या है? तो परमात्मा ने जवाब दिया है, आत्मा किसी किसी का ज्ञान स्वरूप होता है, किसी किसी का अज्ञान स्वरूप होता है। भगवान ने दोनों बताया, हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा नहीं है। कोई कोई आत्मा के पास ज्ञान है और कोई कोई आत्मा के पास ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? हाँ, परंतु ज्ञान अवश्य आत्म स्वरूप होता है। भगवान क्या कह रहे पता है? आत्मा कभी किसी का ज्ञान स्वरूप होता है, किसी का अज्ञान स्वरूप होता है। आत्मा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आत्म स्वरूप होता है। जब भी ज्ञान अच्छा सम्यक ज्ञान आएगा तो वो आत्मा को मोक्ष कराएगा ही कराएगा। ये समझ में आया? भगवान ने ये बताया, आत्मा ज्ञानी अज्ञानी हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आत्मा को तारेगा। ज्ञान हमेशा आत्मा का गुण रहेगा, रहेगा और रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल, नारकी के जीवों की आत्मा किसी की ज्ञान स्वरूप है, किसी की अज्ञान स्वरूप है, बराबर। नरक के जीवों में कोई सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान स्वरूप, कोई मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान स्वरूप हो गए। दोनों के स्वरूप अलग हो गए, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया, अब जिसको ज्ञान हो गया, क्या वो कभी भी अज्ञानी रह सकता है? नहीं। तो ज्ञान कैसा हुआ? ज्ञान सम्यक हो गया ना, तो ज्ञान आत्मा स्वरूप हो गया ना। ज्ञान तो आत्मा का गुण ही है, तो ज्ञान बराबर आत्मा के स्वरूप है। जो आठ गुण है आत्मा के, उसमें सम्यक ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान आत्मा स्वरूप जरूर। जिसको ज्ञान हो गया वो आत्मसात होगा,
वो नारकी के जीव को भी ऐसा आत्मसात होगा कि अब वो सम्यक दर्शन के साथ यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने जीव को मुक्त अवश्य कराए। समझ में आया? तो ज्ञान कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। आत्मा अशुद्ध हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा शुद्ध होता है। ये सब स्तनित कुमार देवो तक जानना, बेइंद्रिय तेइंद्रिय से लेकर वैमानिक तक जानना, पृथ्वी का जीवों की आत्मा अवश्य अज्ञान वाली ही होती है, उनका अज्ञान भी अवश्य आत्मरूप होता है। इसी प्रकार वनस्पति काय तक जानना है। भगवान कहते हैं आत्मा अवश्य दर्शन रूप और दर्शन अवश्य आत्मस्वरूप होता है। अब ज्ञान की बात हो गई, अब दर्शन की बात की। भगवान क्या कहते हैं? आत्मा अवश्य दर्शन रूप है और दर्शन भी अवश्य आत्मस्वरूप ही होता है। क्यों? क्योंकि दर्शन भी आत्मा का ही गुण है। समझ में आया? अगर मेरा गुण दर्शन है तो मैं खुद दर्शन हुई कि नहीं हुई? इस प्रकार से आपको आठों गुणों को जानना है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य। ये पांच गुण हो गए, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य, ये पांच हो गए। और बाकी के भी तीन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत अव्याबाध सुख है ना। ऐसे 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 जो आठ कर्म के तोड़ने से आठ गुण जागृत होते हैं, वो सारे आत्मस्वरूप ही है, आत्मा का ही स्वरूप है। हमको आत्मा के अपने स्वरूप को पाने में मदद करनी है। क्या करना है? हमारे जितने आठ गुण है वो अवघटित हो गए, उसको खोलने के लिए आत्मा को मदद करनी है। करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। ठीक है, आपका ये आज आत्मा का लेक्चर पूरा हुआ। बोलो, कोई प्रश्न है? मजा आया? पहले ये बताओ। हम तो सिर्फ एक ही चीज समझते थे, भाई मुक्त जीव और संसारी जीव, कोई तीसरा पता नहीं था हमको। पता नहीं था। और आज आपने सुना होगा ये एक सवा घंटे में कि आत्मा के कितने अलग अलग भेद आए, आए ना। और आत्मा पांच प्रकार के जो गुण है, ज्ञानात्मा, वीर्यात्मा, कषायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, चारित्रात्मा, द्रव्यात्मा, सब आए ना। तो ये नौ भेद से हमने आत्मा को जाना और आत्मा के अष्ट गुणों को उघाड़ करने में आत्मा की मदद, ये सारे गुण भी करेंगे। ज्ञान गुण को खोलने में, ज्ञान गुण अगर आधा खुल रहा है तो बाकी के गुण खोलने में आसानी होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। थोड़े 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 तो फिर रोज खुलने ही है, जितने खुल गए वो उसको ढकने नहीं देंगे, नए नए खोलते जाएंगे तो अच्छा ही होगा ना। हाँ, चलो आज बहुत अच्छा सीखा है। हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं टॉपिक। अब आगे जो भी पर्याप्ति अपर्याप्ति संसारी जीव, उसी में हम आगे जाएंगे। बस आपने आत्मा को आज जान लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एपिसोड एक दो बार और सुन लेना आप। कल शनिवार को तो दूसरा लेक्चर है, फिर सोमवार को जब मिले उससे पहले आप इसको एक दो बार सुन जरूर लेना। ठीक है? ठीक है, क्योंकि आत्मा को भी, आत्मा के आठों गुण को भी हमें आत्मसात जरूर करना पड़ेगा। उसको आत्मसात करोगे तो उसको खोलने का मूड होगा। बराबर बराबर बराबर। चलो तो मैं अभी रजा लूं। ओके, जय जिनेंद्र। कल है 8:30 बजे जो है वो मैं लिंक भेज दूंगी, अगर आप आ पाओ तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग जब आएगा तब मैं आपको वो भी भेज दूँ। ठीक है, जय जिनेंद्र। अभी सीधे सोमवार को मिलेंगे हमारे आगे संसारी जीव और पर्याप्ति के लेक्चर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।